वेलकम बैक टू माय चैनल गेडी द व्लॉग। सो गाइस, नवरात्रि के अष्टमी का दिन चल रहा है और यहाँ पे मैंने रंगोली डाल दिया है, पूजा वूजा कर लिया है और क्लाइमेट भी बहुत ही अच्छा है, ना धूप लग रहा है ना बारिश। और कियांश यहाँ पे नाश्ता कर रहा है। सोनू जो है वॉकर में बहुत ही एंजॉय कर रहा है क्योंकि अभी वो वॉकर के सपोर्ट से वो चलने लगा है और उसको जहाँ जाना है वो जा रहा है। सो, इसका नाश्ता हो चुका है और आप लोग भी नवरात्रि अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप लोगों को मुझे ढूंढना ना पड़े, ठीक है। और आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, साउथ के फेस्टिवल्स के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। सो, यहाँ पे मेरी सासू माँ और हम दोनों यहाँ पे बतकम्मा सेलिब्रेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर का अगर आपने बतकम्मा व्लॉग देखा हो तो आपको पता है कि हम लोग ये एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं और साउथ इंडिया में तेलुगु वाले का ये बहुत ही खास फेस्टिवल होता है। खासकर लेडीज़ के लिए ये बहुत ही मतलब अच्छा सेलिब्रेशन होता है। तो यहाँ पे फूलों से देवी माता को देवी माता के रूप में हम लोग बतकम्मा बनाते हैं। बट यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट और यूनिक ट्राई कर रही हूँ। देवी माता जैसे कि मतलब हाथों में फूलों का थाली लेके खड़ी हुई है, ऐसा मैंने सोचा कि बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, वायर वगैरह सब मेरे हस्बैंड लेके आए थे और ये जो डांडिया थी वो मेरी सासू माँ लेके आई थी, फूल वगैरह। तो डांडिया को मैंने ऐसे प्लस के सिंबल में बांध कर उसको दोनों साइड तार के सपोर्ट से कार्डबोर्ड को मैंने सर्कल में काट कर ऊपर मैंने बांध दिया था और यहाँ पे देवी माता का मुकुट लगा दिया है। सो फाइनली बतकम्मा का लुक ये रहा गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में। और आई होप हम लोगों को प्राइज़ भी मिले। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, जिसका बतकम्मा अच्छा बनता है उन लोगों को प्राइज़ मिलता है। तो हमारा तो कुछ यूनिक और बहुत ही ऐसा एकदम देवी माता का रूप के तरह ही दिख रही थी। देखिए ऊपर फूलों का थाली, मेरी सासू माँ और मैंने मिलके बनाया। सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बतकम्मा आ गए अपने अपने बतकम्मा लेकर और उसमें हमारा थोड़ा हाईलाइट लग रहा था और सब लेडीज सज सज के आए थे और साज सिंगार करके आए थे। और यहाँ पे हमारे साउथ इंडिया के स्टाइल में गरबा होता है तो वो भी हम लोग ने एंजॉय किया, साथ में गरबा डोरिया वगैरह भी हम लोग ने खेला। तो देखिए कितने सारे यहाँ पे बतकम्मा हैं। और यहाँ के जो पॉलिटिक्स के लीडर जो है वो सबको साड़ी भी बांट रहे थे। देखिए गाइस, बहुत ही एंजॉय करते हैं सभी बच्चे भी और लेडीज़ भी, बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिवल्स में ही तो सब एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं तो फेस्टिवल सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, अपना परंपरा भी आपको आगे बढ़ाते रहना चाहिए, है कि नहीं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे वीडियोस वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। सो इसी तरह हम लोग ने गरबा खेला, आप एंजॉय कीजिए। तो सभी लोग बतकम्मा खेलने के बाद उसे पानी में विसर्जन किया जाता है, जैसे गणेश जी को विसर्जन करते हैं वैसे सेम बतकम्मा को भी विसर्जन करते हैं। सो यहाँ पे थोड़ी दूर में एक देवी माता का मंदिर है, वराल देवी, वहाँ पे एक बड़ा सा लेक है तो सभी लोग उसी में विसर्जन करते हैं। और वहाँ पे इस तरह से बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं दो तीन, तो जिसके भी बतकम्मा अच्छा लगता है, यूनिक लगता है, उनको प्राइज़ मिलता है। तो ये लोग ने हमारा बतकम्मा देखे और हमें स्टेज पे बुलाए और हम लोग को प्राइज़ मिला। प्राइज़ छोटी हो बड़ी हो लेकिन मिलना बहुत ही ख़ास होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि नहीं। सो यहाँ पे देखिए हम लोग प्राइज़ ले रहे हैं।
सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय।